नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज़ किचन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी मसाला भिंडी की रेसिपी, जिसको हम प्याज और टमाटर के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये भिंडी ली है, करीबन 250 ग्राम भिंडी ली है मैंने। ये इसको मैंने धो के और पोंछ लिया है कपड़े से, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो भी निकल जाए अच्छे से। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे और चेक करते रहेंगे इसमें कीड़ा ना हो। तो ऐसे ही मैंने सारी भिंडी ये काट ली है। अब इस भिंडी को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। अब इसमें हम भिंडी डाल देंगे। गैस को हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे, ताकि हर तरफ से बराबर फ्राई हो जाए। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करेंगे इसे हम। तो ये मेरी हो गई है, मैं निकाल लूँगी इसे एक प्लेट में। भिंडी बनाने के लिए हम दो मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे। उसको बीच में से हाफ़ करके उसके स्लाइस कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हाफ़ स्लाइस हो गए हमारे। एक हरी मिर्च को मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, उसकी प्योरी कर ली है। नमक लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। चौथा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। चौथा चम्मच गरम मसाला लेंगे। चौथा चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे। चौथा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। चौथा चम्मच ही हम हल्दी पाउडर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भिंडी ली है मैंने फ्राई की हुई। एक कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। अब उसमें हम प्याज डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और प्याज को हम सौते कर लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का कलर चेंज होने तक ही इसे हम पकाएंगे, ब्राउन नहीं करेंगे इसे हम। तो प्याज हमारे हो गए हैं, हम गैस को स्लो कर देंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर डाल देंगे, नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप जब भी डालें तो गैस को स्लो करके ही डालें, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे और सब्ज़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। एक बार हल्के आंच से चलाने के बाद इसमें हम भिंडी डाल देंगे, जो हमने फ्राई करके रखी है। टमाटर की प्योरी डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट बाद एक बारी चेक कर लेंगे। सब्जी हमारी तैयार हो गई है और सब्जी ने साइडों में ऑयल भी छोड़ दिया है। लास्ट में इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डाल देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हम गर्मा गर्म परोसेंगे। तो तैयार है हमारी भिंडी की सब्जी, जिसे आप चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।